पिछौर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। पिछौर के रेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पिछौर के सभी विभागों के अधिकारियों की शिकायत की। कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी से कहा कि विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, किसी भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हमारी बात को नहीं सुनते, अनदेखी करते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के अधिकारी बात नहीं सुनते, ना ही कोई काम करते हैं। पिछौर के सभी अधिकारी सिर्फ पिछौर विधायक की ही बात सुनते हैं और उन्हीं की बातों को मानते हैं। इस बात से हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता परेशान हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा में होने के बावजूद भी हमारी बातों को अनदेखा किया जाता है। मंडल अध्यक्ष ने विद्युत विभाग के डिवीजन ऑफिसर की शिकायत की। प्रभारी मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि आप आज से हर विभाग के अधिकारियों की बात सुनेंगे, आपके सभी काम करेंगे। अगर कोई भी अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना करता है तो उसे हम ठीक करेंगे। इस तरह प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। विद्युत विभाग के डिवीजन ऑफिसर दीपंकर गौतम प्रभारी मंत्री के दौरे पर उपस्थित नहीं आए तो प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को फोन लगाकर उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया। सरा प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विद्युत विभाग के डिवीजन ऑफिसर को सस्पेंड किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2023 के चुनाव में पिछौर विधानसभा से भाजपा का विधायक बनेगा। सर पहली बार मंत्री जी आपका दौरा पिछौर लगा, यहाँ कार्यकर्ताओं ने भी आपसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा, किस तरह आप यहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं? देखिए, ये दौरा मेरा पहली बार नहीं, दूसरी बार लगा है। पहले मैं खनीदाना आया था वहाँ पे विजिट पर, और ये दूसरा मेरा पिछौर का लगा है। कुछ प्रशासनिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कक्काजू केपी सिंह जी, महाबली आदमी हैं, तो उनका एक साम्राज्य यहाँ चल रहा है, सब अधिकारी उनके हिसाब से चलते हैं। मगर अब मैं आया हूँ तो निश्चित रूप से इसमें आप आज से ही परिवर्तन देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विधानसभा में संघर्ष कर रही है और यही नतीजा है कि पिछला चुनाव हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 2000 वोटों से जीतने दिया था। अब 2023 में ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है, मेरे लिए चुनौती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती है कि पिछौर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाना है। हमें अपना यहाँ से विधायक जिताना है और विकास के कार्यों को हमारी जो शिवराज सिंह की सरकार है, परम आदरणीय महाराज साहब की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, इसके विकास के कार्य को जनता तक, गरीब से गरीब, अंत्योदय तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य हमारा है।